अलमारी का ताला खराब था, तो दो आदमी घूम रहे थे सरदार के रूप में, वो आए थे ताला खोलने के हिसाब से। ताला खोला और मम्मी को बोला कि भाई थोड़ी गर्म चाबी कर दो। मम्मी किचन में चाबी गर्म करने के काम से गई थी और पता चला कि पीछे से उन्होंने हाथ। अलमारी के ताले की चाबी बनाने आए शातिर लाखों रुपए के सोने के जेवरात लेकर हुए फरार। कृष्णगंज थाना अंतर्गत शांतिपुरा इलाके में रहने वाले नरेंद्र कुमार जैन के घर घटी घटना। कृष्णगंज थाना अंतर्गत शांतिपुरा इलाके में रहने वाले नरेंद्र कुमार जैन के घर पर शनिवार दोपहर अलमारी के खराब ताले की चाबी बनाने आए दो शातिर मकान मालकिन संतोष जैन को काम में लगाकर पीछे से अलमारी में रखे चार सोने की चूड़ियां और एक मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी देते हुए संतोष जैन के पुत्र विकास जैन ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 1 बजे दो सिख पगड़ीधारी युवक ताले चाबी बनाने के लिए फेरी लगा रहे थे। घर के सामने आए तो उनकी माताजी ने ताले चाबी की मरम्मत कराने के लिए उनसे पूछा और लॉक खुलवाने के लिए दोनों को घर में बुला लिया। दोनों युवकों ने लॉक को चेक किया और एक चाबी उनकी माताजी को देकर उसे गर्म करने के लिए कहा। जैसे ही वे रसोई में चाबी गर्म करने गई, पीछे से चोरों ने अलमारी में रखे सोने के जेवरात चुरा लिए और ताले में चाबी को तोड़कर फंसा दी। दोनों शातिर ठग खाना खाकर आकर फिर से चाबी बनाने की बात कहकर चले गए। काफी देर तक जब वापस नहीं लौटे तो उन्होंने मदार गेट से दूसरे चाबी वाले को बुलवाकर अलमारी खुलवाई। जब अलमारी में देखा तो सोने की चार चूड़ियां और एक मंगलसूत्र जिनका वजन 15 तोले बताया जा रहा है गायब थे। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें दोनों शातिर नजर आ गए। पीड़ित परिवार ने कृष्णगंज थाने में दोनों शातिरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर का अलमारी का ताला खराब था, तो दो आदमी घूम रहे थे सरदार के रूप में, वो आए थे ताला खोलने के हिसाब से। ताला खोला और मम्मी को बोला कि भाई थोड़ी गर्म चाबी कर दो। मम्मी किचन में चाबी गर्म करने के काम से गई थी और पता चला कि पीछे से उन्होंने हाथ साफ करके ताले की आधी चाबी तोड़ के पूरे हम घंटे भर में आ रहे हैं। तो घंटे भर के बाद वो आए नहीं तो हमको शक हुआ। तो शक हुआ तो हमने दूसरे ताले वाले को बुला के ताला खुलाया। ताला खुलाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें से हमारी चार चूड़ी और एक मंगलसूत्र गायब हो गए। सोने के थे चार चूड़ी? हाँ, चार चूड़ी सोने की, एक मंगलसूत्र था। तो फिर मम्मी अकेली थी जब ये हुआ था? नहीं, मम्मी अकेली नहीं थी, घर में खाती थी तो वो अपने किचन में काम कर रहे थे। कोई लॉक सही करवाने के बहाने अंदर गए थे? लॉक सही कराने के बहाने अंदर आए। अच्छा, लॉक सही नहीं करा उन्होंने? लॉक सही नहीं करा, दूसरे खाती चाबी वाले को बुला के फिर लॉक खुलवाया। खुलाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें से चार चूड़ी और मंगलसूत्र गायब हो गए। किसी तरह के सीसीटीवी में भी आए हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में आए हैं। हमने पुलिस के अंदर थाने के अंदर रिपोर्ट भी लिखा दी है और उनको सीसी रिपोर्ट भी दे दी हमने।